दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। आप विधायक अमंतुल्ला खान से बुधवार को मिलने के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा कि सभी फाइलों की जांच हो चुकी है, एक भी पैसे का घोटाला नहीं हुआ है। सीएम ने कहा कि इसके अलावा हमारी पार्टी के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया के केस में एक भी सबूत नहीं मिले, लेकिन उन्हें जेल में डाल दिया गया है। केजरीवाल ने कहा कि ये सब करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें खत्म करना चाहते हैं। दिल्ली सीएम ने दावा किया कि मनीष सिसोदिया केस में पिछले हफ्ते सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सबूत मांगा, लेकिन मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक भी सबूत पेश नहीं कर सके। इसका मतलब है कि सारे केस झूठे हैं। सीएम केजरीवाल ने बताया कि आप विधायकों के खिलाफ 170 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं। इन 170 मामलों में 140 फैसले हमारे पक्ष में हैं। उन्होंने हमारे मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को अरेस्ट करना शुरू किया। उन्होंने संजय सिंह को अरेस्ट किया और मंगलवार को अमंतुल्ला खान के घर पर छापेमारी की। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि मामला कोर्ट में है, इसलिए अभी अधिक कुछ नहीं कहूँगा। सीएम ने कहा मनीष सिसोदिया के केस में सर्वोच्च न्यायालय के जज के बार बार कहने पर सबूत नहीं पेश किया गया, जिससे साफ है कि उनके पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। इसका मतलब है कि पूरा मामला फर्जी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि आपको कुचल दिया जाए। केजरीवाल ने कहा मैं मोदी जी को चैलेंज करता हूं कि एक पैसे का भी कुछ मिला तो बताओ। इसी के साथ ही सीएम ने कहा कि आपको लगता है अगर कुछ मिलता है तो मुझे छोड़ देते। प्रधानमंत्री पर बरसते हुए दिल्ली सीएम ने कहा मोदी की चाल और जुबान में अहंकार है, उन्होंने देश का माहौल खराब कर दिया है, उनसे हर कोई डरता है। केजरीवाल ने कहा कि 2015 में जब हमारी सरकार दिल्ली में बनी उसके तुरंत बाद शुंगलू कमेटी बनाई और 400 जांच की गई, लेकिन कोई भी गड़बड़ी जांच टीम को नहीं मिली। उन्होंने कहा अब तक जितने जजमेंट आए हैं उसमें हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि अगर उन्हें कुछ मिलता तो वो हमें छोड़ देते।